केवल इतना पूछ लेते हैं ना, आरोप लगा था अखिलेश यादव टूटी छोड़ दे। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार तुम्हें, मैं कुछ बोलूँ तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, पिछले तुम बीजेपी के एजेंट हो। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबैन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। इसकी फोटो खींचो जरा, किलो फोटो। नाम क्या है? नहीं बेटा, नूर काजी है। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी वो है, नूर काजी। मुस्लिम हो आप? ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगा गया आपके पास। नहीं, गलत बात। इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं भाई, बिके हुए लोगों को मत आप बुलाएगा। पिछले चुनाव और सुनो, एम बेटा, एम सुन, इधर सुन। ये जो बोल रहा है, मुझे नहीं पता पत्रकार है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ ये पत्रकार है, ये बताओ, यही तो लड़ाई है सामंतवादी और मनुवादी की। जैसे मैं हूँ, जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो बताओ गंगा जल से धुलवाया था बीजेपी। उसी मुद्दे में सर, तो जो बीजेपी ने गंगा जल से धुलवाया, क्या नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों और नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, वो लोग गंगा जल से धुलवाया हो? मैं मन से कहूँगा, तो आगे करने का हमारे पास अखिलेश यादव जी बहुत चांस है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानहानि का दावा कर दूंगा। आपराधिक रिकॉर्ड मेरा दिखाइए, किस भारत के किस राज्य में दिखा दीजिए। और इसके बाद अगर कोई घटना घटती है तो उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिम्मेदार होंगे। अगर मुझे कुछ होता है कहीं आने जाने में तो वो जिम्मेदार होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। आपका नाम? मेरा नाम नूर काजी। तो सुना है आपने, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को पन्ना पहुंचे, लेकिन उस समय अचानक तेज गुस्सा आ गया जब एक पत्रकार ने उनसे भाजपा के आरोपों से जुड़ा एक सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने पत्रकार को भाजपा का एजेंट कह दिया और फिर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर पत्रकार को अपराधी लिखते हुए कहा कि एमपी पुलिस इस अपराधी की जांच करे। सपा के इस ट्वीट के बाद हंगामा मचा तो एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अखिलेश यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पन्ना जिले की अजयगढ़ विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र पाल वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने सपा प्रमुख अखिलेश यादव कल गुरुवार को पहुंचे थे। सभा के बाद जब मीडिया से उन्होंने बात की तो कई सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन इसी बीच एक पत्रकार के सवाल पर वे भड़क गए। पत्रकार ने पूछा, योगी आदित्यनाथ आपको टोंटी चोर क्यों कहते हैं? आपका क्या कहना है इस पर? इतना सुनते ही अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और पत्रकार से कहने लगे, तुम भाजपा के एजेंट हो बेटा, इतना महंगा रेबैन का चश्मा पहने हो, तुम पत्रकार नहीं। उन्होंने अपने सुरक्षा स्टाफ से उसकी फोटो खींचने के लिए कहा, फिर उसका नाम पूछा और जैसे ही उसने अपना नाम नूर काजी बताया तो कहने लगे, ये भाषा है मुसलमान की। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी ने पत्रकार को अपराधी कहते हुए एमपी पुलिस से जांच की मांग की है। आगे बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिके हुए लोग हैं, इस तरह के लोग पत्रकारिता करेंगे, ऐसे लोगों को मत बुलाया करो आप। मुझे नहीं पता कि ये पत्रकार है कि नहीं। इसके बाद वे दूसरी बार मंच पर गए और पत्रकार की बातों का जिक्र करते हुए जनता को संबोधित किया। अखिलेश का गुस्सा यही नहीं थमा, उनकी पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर पत्रकार को अपराधी बताते हुए एमपी पुलिस से जांच करने की मांग की गई। इस पूरे मामले पर पत्रकार नूर काजी का भी बयान सामने आया। भाई देखो, मैं वंदे भारत न्यूज़ चैनल से विधानसभा रिपोर्टर हूँ और दूसरा प्रिंट मीडिया है दबंग भोपाल, उसका मैं तहसील रिपोर्टर हूँ। मेरे द्वारा आज अजयगढ़ तहसील में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आए। जब प्रेस वार्ता हुई तो मेरे द्वारा उनसे सवाल किया गया कि आपने हमेशा माफियाओं को संरक्षण दिया, आपके पर योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगाती रही कि आपने जो कथित माफियाओं को हमेशा संरक्षण दिया। और आपके ऊपर आरोप लगे कि जब योगी आदित्यनाथ जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो गंगा जल से धुलवाएगा, आपके ऊपर आरोप लगे, आप टोटी चोर के आरोप लगे। इसमें इसी सवाल के जवाब में माननीय अखिलेश यादव जी काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आप इतना महंगा रेबैन का चश्मा लगाते हैं, आप पत्रकार नहीं देखते, बीजेपी के एजेंट देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा कोई पूरे भारत में, मैं अपने अजयगढ़, ये मातृभूमि है मेरी अजयगढ़ तहसील और थाना हमारा अजयगढ़ लगता है, चौकी हमारी चंदौरा लगती है और हमारा ज़िला पन्ना लगता है। तो मैं कहता हूँ पूरे भारत में मेरे हर डॉक्यूमेंट मेरे गांव के एड्रेस से, मेरा यहाँ तक कि पासपोर्ट, मेरे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट रिजनेबल है तो मेरे गाँव के एड्रेस पर है। मैं कोई 420 का बिजनेस नहीं करता हूँ, 420 का कोई काम नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई 2 नंबर इलीगल काम है। मैं पत्रकारिता करता हूँ समाज सेवा के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगा कितना महंगा चश्मा, तो मैं आपको बताऊँ मेरे मामा थे जो दुबई में एक बिजनेसमैन थे, एक्सपोर्ट का बिजनेस था सिंगापुर दुबई का। उससे हमसे मुझे शौक है ब्रांड के चश्मा, ब्रांड का जूता पहनने का। अगर मैं 10-12 हज़ार का चश्मा पहनता हूँ तो मैं कमाता हूँ, मैं फॉर्मर हूँ और कमाता हूँ। मैं अदर बिजनेस करता हूँ जो रिजनेबल है। पूर्व सीएम ने ये कहा इनकी फोटो खींचो, ये तो उनका जो वो देखिए हताश इस टाइम पे। एक तो गठबंधन के दिल के टूटे हैं, हताश है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर पत्रकार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और अभी 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, 2 दिन पहले दिया है। पत्रकार का धर्म होता है सवाल करना। अगर उसने किसी नेता या किसी अधिकारी को, तो आप उसको रोक नहीं सकते। यहाँ तक कि आप पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट दिया, जब्त नहीं कर सकते आप। तो अखिलेश यादव ने कहा मध्य प्रदेश पुलिस इसकी जांच करे कि ये पत्रकार के देश में कोई अपराधी है। तो मैं मान्य हमारी मध्य प्रदेश पुलिस, आई प्राउड फॉर यू माय एमपी पुलिस, और वो मुझे मेरी जांच बेशक कर सकती है। आप नो डाउट, मेरा कोई भारत में, संपूर्ण भारत में बोल रहा हूँ, और किसी थाने किसी चौकी में मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आप जांच करा लीजिए। क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? तो आगे करने का हमारे पास अखिलेश यादव जी बहुत चांस है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानहानि का दावा कर दूंगा, आपराधिक रिकॉर्ड मेरा दिखाइए, किस भारत के किस राज्य में दिखा दीजिए। और इसके बाद अगर कोई घटना घटती है तो उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिम्मेदार होंगे। अगर मुझे कुछ होता है कहीं आने जाने में तो वो जिम्मेदार होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। आपका नाम? मेरा नाम नूर काजी। नूर काजी ने कहा, मैं पत्रकार हूं और मुझे भी मेरे अधिकार और दायित्व का पता है। उसने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मेरे मामा दुबई में व्यापार करते थे, वे मेरे लिए रेबैन का चश्मा भेजते थे, वो मैं पहनता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सवाल करना पत्रकार का काम होता है। मैंने कुछ गलत किया हो तो पुलिस मेरी जांच करा ले, मैं सहयोग के लिए तैयार हूं। मुझे अपराधी कहना गलत है। मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा अखिलेश यादव पर, और यदि मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। बहरहाल, इस एपिसोड के बाद से पन्ना में सियासत गर्मा गई है। उधर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।